मनगांव मांडगांव से हिंगनघाट शहर आने वाले नदी के प्रवाह को रोक दिया गया है। आने वाले दिनों में रेती घाट मालिकों के इस निर्णय से हिंगनघाट शहर आ सकता है सूखे के चपेट में। कोरोना की मार से पहले ही जनता परेशान है। अधिकारियों की अनदेखी से जनता की समस्या बढ़ सकती है। रेती घाटों के मालिकों ने जनता को प्यासा रखने की तो नहीं ठानी, ये सवाल भी अब उठना शुरू हुआ है। समुद्रपुर तहसील में रेती घाट की नीलामी हुई है, होना भी चाहिए। लोगों को अपने बांध काम के लिए रेत की आवश्यकता होती है, इसे देखते हुए सरकार द्वारा सभी नियमावली उत्खनन करने वालों को दी जाती है। उसका पालन हो रहा है या नहीं, यह देखना सभी आला अधिकारियों का काम होता है। कोरोना प्रकृति का कहर बरसते देखा जा रहा है। पानी की किल्लत का नजारा धुपकाला लगते ही नजर आता है, सभी जगह सूखा पड़ने लग जाता है। लेकिन रेती घाट मालक पैसे के माया जाल में लोगों के पानी की प्यास से खिलवाड़ करके जनता को प्यासा रखने की तो नहीं ठानी है। अधिकारी लोग भी इसको नजरअंदाज करते दिख रहे हैं। तब समुद्रपुर के मनगांव मांडगांव में नदी के जलधारा रोक दिया गया। इस नदी के बीच में से रोड बना दिया, जिसके रहते इस नदी का प्रवाह हिंगनघाट के लिए रुक गया है। तब आने वाले दिनों में हिंगनघाट शहर के लिए सूखे के हालात देखे जा सकते हैं। मांडगांव एक और मांडगांव दो इस रेती घाटों में किस प्रकार नियमों को बाजू में रख क्षेत्र के दिग्गज नेता भी इसमें लिप्त है और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी अपना हिस्सा लेकर चुप बैठे तो नहीं, ऐसी शंका जनता के मन में आ रही है।